वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत है। और एफटीआर की इस वीडियो सीरीज में आज हम इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, आज हम इकोनॉमिक सर्वे के अध्याय 10 जो कि उद्योग से संबंधित है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें मैंने प्रयास किया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नई आई हुई है उससे संबंधित कुछ अंश हुए तथ्यों को आप जानें। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप आगे देखते जाएंगे और अपनी थ्योरी को आप क्या करें, रिवाइज करते जाएँ। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन निम्नलिखित में सत्य होगा? स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, जीएसडीपी में योगदान लाख रुपए में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ मैंने बना के रखा हुआ है, हम इसे देखेंगे। दूसरा, जीएसडीपी में वृद्धि में प्रतिशत में उच्चावच देखने को मिलती है। और तीसरा, जीएसडीपी में हिस्सा प्रतिशत में भी उच्चावच देखने को मिलती है। यानी कि योगदान में इन्होंने बोला लगातार वृद्धि हो रही। तो आइए योगदान के बारे में समझते हैं। 26, 35, देन 33, देन 34, 36, 38, 40। यानी कि 14-15 एक ऐसा साल था जहां पर योगदान में लाख रुपीस में क्या हुई, कमी हुई। यानी कि इस कॉलम के हिसाब से, यानी 12-13 से लेकर 18-19 तक में अगर इस कथन को, इस स्टेटमेंट को मिलाया जाए तो यह गलत होता है। यानी कि इसमें भी, इसमें जीएसडीपी में योगदान लाख रुपीस में भी क्या देखने को मिलती है, उच्चावच देखने को मिलती है। तो पहला कथन जो होगा वह इसके हिसाब से गलत होता है। दूसरे में आते, जीएसडीपी में वृद्धि प्रतिशत में उच्चावच देखने को मिलती है 9.25, ये इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर ये क्या होता है, डाउन। यानी वही 14-15 में यहाँ तक आ गए, फिर ये इंक्रीज देन डाउन देन इंक्रीज, करेक्ट। तो चलिए फिर हिस्सा में भी देख लेते हैं, 17-10-20, फिर यहाँ पे डाउन, देन अगेन डिक्रीज, फिर से डिक्रीज, फिर से डिक्रीज और फिर से डिक्रीज। यानी कि बात करें कि जो डाउनफॉल आया कब, 14-15 में योगदान में लाख रुपीस में डिक्रीमेंट के बाद फिर इंक्रीमेंट, ठीक, और जो आपका वृद्धि प्रतिशत था उसमें भी डिक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट, लेकिन हिस्से में यानी जो हिस्सेदारी या जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था जीएसडीपी में उसमें 18.91 यानी 14-15 के बाद लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तरीके से ये भी उच्चावच की श्रेणी में आएगा, ये भी उच्चावच की श्रेणी में आएगा और ये भी क्या आएगा, उच्चावच की श्रेणी में आएगा। यानी कि तीनों क्या होंगे, उच्चावच की श्रेणी में, अर्थात लगातार वृद्धि और डाउन, वृद्धि और डाउन हमें दोनों देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा प्रथम है उसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 में स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वह होगा बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2018-19 में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर भाव में वृद्धि प्रतिशत अनुमानित है। वृद्धि प्रतिशत ये हो गया, वृद्धि प्रतिशत अनुमानित आ जाएगा आपका 5.18 अनुमानित, अग्रिम अनुमान जो है, जो अनुमानित है कितना है 5.18। तो ध्यान रखेंगे 17-18 में कितना था वृद्धि प्रतिशत 4.95, कंट्रीब्यूशन कितना है अनुमानित 18.49, 17-18 में क्या था या 18.58। तो आपको ये चारों डाटा को क्या कर रहे हैं, याद रखने हैं। तो इसका आंसर होगा डी 5.18, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुख करते हैं, वर्तमान औद्योगिक नीति की तिथि कब से कब तक है। चलिए, पहला 1 नवंबर 2001 से 31 अक्टूबर 2006, नहीं। दूसरा 1 नवंबर 2004 से 31 अक्टूबर, नहीं। सी भी नहीं, यानी इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम सभी को पता है कि अभी जो वर्तमान औद्योगिक नीति है उसका जो टाइमलाइन है वह है 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2014 का, और ये फिफ्थ नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। यानी पांचवें नंबर का क्या है, ये औद्योगिक नीति है। तो पहली औद्योगिक नीति जो थी उसमें 1 नवंबर 2001 से 2006, फिर 2004 से 2009, 2009 से 2014 और फिर 2014 से 2019 चौथी औद्योगिक नीति थी, और ये जो वर्तमान में औद्योगिक नीति है ये पाँचवीं औद्योगिक नीति है इस स्वतंत्र छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वह होगा डी। चलिए इसके आगे फिर और देखते हैं कि जो औद्योगिक नीति इस बार दिया गया उसका जो टैगलाइन था वह था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और उसकी जो थीम थी वह याद रखेंगे समावेशी विकास। क्या? समावेशी विकास, आत्मनिर्भर व परिपक्व अर्थव्यवस्था की ओर।
ठीक। समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबको पता है कि वर्तमान में जो संसाधन है उसको भविष्य की आने वाले जो जनरेशन या पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना और उनके लिए उपयोग से संबंधित चीज़ों का विकास करना ही क्या है मेरा समावेशी विकास है। यानी कि समावेशी विकास होगा तो क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा फ्यूचर, और आत्मनिर्भर अगर भविष्य आत्मनिर्भर हुआ तो वह परिपक्व अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। तो ऐसे करके आप इसको याद रखें कि समावेशी विकास, आत्मनिर्भर और परिपक्व अर्थव्यवस्था, ठीक, इसे याद रखें, पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नवीन औद्योगिक नीति से संबंधित प्रावधानों के बारे में सत्य कथन है। चलिए, पहला, औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विकास खंडों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ पर इस नवीन जो औद्योगिक नीति, इसमें विकास खंडों को 4 श्रेणी में बांटा गया। वो 4 श्रेणी जो है, विकसित विकास खंड, विकासशील विकास खंड, पिछड़े हुए विकास खंड और अति पिछड़े विकास खंड, इस तरह से 4 कैटेगरी में बांटा है। आप ध्यान रखेंगे टोटल 146 विकास खंडों को 4 भागों में डिवाइड करना। विकसित में 15 विकास खंड है, विकासशील में 25 है, पिछड़े क्षेत्र में 40 है और अति पिछड़े में 66 है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिछड़े विकास खंड कितने हैं, ये भी पूछ सकता है, और इनमें क्रम भी या मैच द फॉलोइंग इस क्वेश्चन को बनाकर दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि विकास खंडों को उद्योग स्थापना के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया है। वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया है, विकसित, विकासशील, पिछड़े क्षेत्र और अति पिछड़े क्षेत्र, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, ये पेज नंबर 42, जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकालेंगे गवर्नमेंट की, इस तरीके से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसमें आप निकालेंगे, इसे पेज नंबर 42 में ये वाला डाटा दिया हुआ है, परिशिष्ट 7A, ठीक, ये सारा डिटेल दिया है। विकसित क्षेत्र में ये जो 15 विकास खंड, ये कौन कौन से जिले से होकर आते हैं आप ये भी देख सकते हैं, और याद रखेंगे इसमें जो बलौदाबाजार भाटापारा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट है, उसके तीन विकास खंड यहाँ पर है। यानी कि विकसित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऐसा जिला जिसमें सबसे ज़्यादा विकास खंड है वह है आपका कौन सा, बलौदाबाजार। इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्योगों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, बिल्कुल सत्य है। औद्योगिक निवेश के आधार पर उद्योगों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग, कोर सेक्टर के उद्योग, संतृप्त उद्योग और सामान्य उद्योग। इसको भी याद कर ले कितने भागों में बांटा गया उद्योगों को, किसके आधार पर, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के आधार पर 5 भागों में, उच्च प्राथमिकता, कोर सेक्टर, संतृप्त उद्योग एवं सामान्य उद्योग, करेक्ट होती बात। उसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ पर निवेशकों का वर्गीकरण, यहाँ पर निवेशकों को कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में बांटा गया, जिस प्रकार से आपको साइड में यहाँ पर फ्लैश हो रहा है उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कितने भाग में, 7 भागों में यहाँ पर निवेशकों को बाइफर्केट किया गया। इन्हीं के आधार पर यहाँ पर योजनाओं का क्या किया गया है, बाकी निर्माण किया गया है, किस प्रकार से उन्हें अनुदान दिया जाएगा, किस प्रकार से ब्याज का भुगतान दिया जाएगा, किस प्रकार से उन्हें विद्युत शुल्क दिया जाएगा, ऐसे कौन कौन सी श्रेणी के निवेशक हो सकते हैं, इसकी गणना इन्हीं 7 श्रेणियों के आधार पर की जाएगी, ठीक। चलिए थर्ड ऑप्शन चलते हैं, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमी निवेशकों को 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। जैसे कि हमने पहले देखा, निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। निवेश के आकार के, यानी कितना निवेश वहां पर करना है, इसके आधार पर उद्योगों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि पहला सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ठीक, दूसरा मध्यम उद्योग, ये निवेश के आकार की दृष्टि में है और ये उद्योगों का वर्गीकरण है जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019-24 में दिया गया है। तो निवेश के आकार की दृष्टि में सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योग और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, यानी मेगा एंड अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट किसे कहेंगे, ये सारा कुछ आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दिया हुआ है। आप इसको ध्यान रखें, इसको अलग बाइफर्केट करें और इसको अलग बाइफर्केट करें, वैसे दोनों की जब परिभाषाएं पढ़ेंगे आपको सेम लगेगा, लेकिन नाम याद रखें, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स एंड अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, किस आधार पर, निवेश के आकार की दृष्टि के आधार पर, ठीक। यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, सारे के सारे जो कथन हैं वो सत्य हैं, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक पुरस्कार के बारे में असत्य कथन है। पहला लिखा हुआ है, प्रथम पुरस्कार 151,000 रुपये का है जिसमें 51,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है पिछले नीति से, ठीक। दूसरा, द्वितीय पुरस्कार 1,00,000 रुपये है जो पूर्व में 51,000 रुपये था, और टेकनार एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि दंतेवाड़ा में है, अर्थात तीनों कथन इसमें क्या है,
सत्य है। याद रखेंगे जो औद्योगिक पुरस्कार योजना है उसकी भी कितनी श्रेणी है, 5 श्रेणी है, तो आप नोट कर लेंगे यहाँ पर 5 श्रेणियों को। ठीक, पहली श्रेणी है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, दूसरी श्रेणी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, तीसरी जो श्रेणी है वह होगा निर्यातक सूक्ष्म, निर्यातक सूक्ष्म लघु उद्योग। ठीक, उसके बाद ध्यान रखेंगे चौथा आ जाएगा आपका महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, और यहां पर जो आ जाएगा पांचवा जो आएगा स्टार्टअप इकाइयां। याद रखेंगे ये जो स्टार्टअप इकाइयां हैं इसे भी इस बार क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और स्टार्टअप इकाइयां होती हैं जिनको 5 साल नहीं हुआ है और जिनका 1 साल में 25 करोड़ टर्नओवर भी नहीं हुआ है, ऐसी इकाइयों को इन्होंने स्टार्टअप इकाई में कहा है। अर्थात जिनका 5 साल स्थापित हुए नहीं हुए हैं और जिनका टर्नओवर 1 साल में 25 करोड़ से ज़्यादा या 25 करोड़ नहीं हुआ या उनकी उससे कम है जिनका टर्नओवर, वो स्टार्टअप इकाइयों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि औद्योगिक पुरस्कार योजना में भी 5 श्रेणी हैं जिन्हें पहला, दूसरा एवं तीसरा पुरस्कार वितरित किया जाएगा। पहला पुरस्कार जो होगा वो 151,000 का, दूसरा 1 लाख का और तीसरा 51,000 का यहाँ पर पुरस्कार वितरित किया जाएगा। ठीक, तो इस आधार पर अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, तो स्टेटमेंट ए बी एम सी क्या है, तीनों सत्य, क्योंकि सी में टेक्नार जो है वह दंतेवाड़ा में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, नई औद्योगिक नीति के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से पर्यावरण प्रबंधन की तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न प्रावधान है। तो इस तरह से इसमें एक प्रावधान है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग अपने द्वारा जो प्रयोग की जा रही मशीन है, ठीक है, अपने द्वारा जो प्रयोग की जा रही मशीन है और उस मशीन की तकनीक ऐसी है जिससे कि उस मशीन की तकनीक ऐसी है जिससे यहाँ पर उन्हें पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए यानी पर्यावरण प्रबंधन के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुँचती है, तो ऐसी इकाइयों को मशीनरी लागत का 50% एवं अधिकतम 25 लाख रुपए अनुदान का क्या है, प्रावधान है। इसे ध्यान रखेंगे, यानी कि इस प्रकार का मशीन या इस प्रकार की तकनीक अगर ये यूज़ कर रहे हैं जिससे कि कार्बन इन्वायरमेंट में काफ़ी कम इवॉल्व होगा और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी उस उद्योग की भागीदारी निश्चित होगी, तब वहाँ पर मशीनरी लागत का 50% और अधिकतम 25 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था इस औद्योगिक नीति में की गई है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 6 का जो आंसर होगा वह होगा ए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नई औद्योगिक नीति के तहत किस वर्ग के लोगों को 100% आरक्षण स्थानीय निवासी होने पर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति के तहत किस उद्योग के लोगों को 100% आरक्षण स्थानीय निवासी होने पर दिया जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वह होगा अकुशल कर्मचारी। ध्यान रखेंगे अकुशल कर्मचारी को 100% लोकल लोगों को क्या करना होगा, उन्हें रोजगार प्रदान करना होगा। ठीक, दूसरा है यहाँ पे कुशल कर्मचारी, कुशल कर्मचारी में 70% सीजी से होने चाहिए। तीसरा है प्रशासकीय और प्रबंधकीय में 40%, एटलीस्ट मिनिमम 40% लोग छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने चाहिए। यानी 3 डाटा आपके पास आया, एक आया 40%, दूसरा आया 70% और तीसरा आया 100%। तो इसे ध्यान रखने के लिए पहले डाटा को देखें, 40, 70 एंड 100। यहाँ पे अकुशल कर्मचारी, ठीक, ग्राउंड स्टाफ बोल सकते हैं, अकुशल कर्मचारी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 100% कहाँ के होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने चाहिए। 70% जो होंगे वो कुशल कर्मचारी होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे, ठीक, वो छत्तीसगढ़ के मिनिमम 70% होने चाहिए। 40% जो होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल पोस्ट या प्रशासकीय या प्रबंधकीय पोस्ट में होने चाहिए, और 40% अर्थात ये कहाँ के होने चाहिए, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने चाहिए। ठीक, तो ये श्रेणी को आप यहाँ पर याद रखें। तो इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वह होगा आपका अकुशल कर्मचारी ए। ठीक, यानी 100% उद्योगों को क्या करना है कि अकुशल कर्मचारी या नॉन स्किल या अनस्किल्ड लेबर में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ रुख करते हैं।
औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित वर्गीकरण के बारे में असत्य कथन है। तो ध्यान रखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित वर्गीकरण के बारे में बात कर रहा है, तो उद्योगों से संबंधित किसी भी प्रकार की जो क्रियान्वयन होती है वह CSIDC के द्वारा की जाती है, जो कि वाणिज्य एवं व्यापार विभाग के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। ठीक, वाणिज्य एवं व्यापार विभाग के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, CSIDC। ठीक, याद रखेंगे इसको। और CSIDC के अंतर्गत ही उद्योगों के क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, उद्योगों के क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि उद्योगों को बहुत ही बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर वहां पर उनको विद्युत, पानी, कच्चे माल की आपूर्ति, ठीक, सिंगल विंडो सिस्टम, इस सभी तरह की व्यवस्थाएं एक ही प्लेस में उन्हें प्रोवाइड की जा रही है और उस क्षेत्र को एक आरक्षित क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो इसी आधार पर CSIDC के अंतर्गत इन क्षेत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो होगा वो वृहद औद्योगिक क्षेत्र, क्या होगा, पहला होगा वृहद औद्योगिक क्षेत्र, उसके पश्चात दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, फिर आपका आ जाएगा तीसरा लघु औद्योगिक क्षेत्र, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। तो याद रखेंगे ये CSIDC के अंतर्गत क्रियान्वयन एवं प्रशासन करने के लिए और उसको अच्छी से व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस तरह से इनका क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो पहला हमने देखा वृहद औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा देखा हमने मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, और फिर देखा लघु और सूक्ष्म। करेक्ट, अब वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो होगा जिसका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो होगा जिसका क्षेत्रफल 200 से लेकर 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक होगा। ठीक, लघु में कौन आएंगे आपके, 100 से लेकर 50 तक के क्षेत्रफल वाले आपके इसमें आएंगे। ठीक है, और उसके बाद सूक्ष्म आ जाएगा आपका 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र। तो इस तरह से आपको आपकी किताबों में सारा कुछ दिया होगा कि कौन कौन से क्षेत्र, इसको चीज़ को ध्यान रखेंगे कि CSIDC ही इन सभी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, इनमें क्रियान्वयन की कार्यविधि कौन निभाएगा, CSIDC ही निभाएगा। ठीक, चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 8 में औद्योगिक क्षेत्र संबंधित वर्गीकरण के बारे में असत्य कथन है, तो यह होगा इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं हम लोग, कुल IIDC सेंटर छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर होगा 6। ध्यान रखेंगे कुल IIDC सेंटर 6 है, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक तो मैंने यहाँ पर स्थापित बताया, स्थापित, दूसरा यहाँ पर निर्माणाधीन, और तीसरा यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, कई किताबों में यह निर्माणाधीन को भी स्थापित में ले लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यह अभी भी निर्माणाधीन है। इसमें 6 में जो है बिरकोनी, महासमुंद, हरिणछपरा, कबीरधाम, नयनपुर, गिरवंजबन, सरगुजा, कापन, जंजगीर चांपा, तिफरा, सेक्टर डी, BSP और टेक्नार, दंतेवाड़ा। ठीक, तो इसके आधार पर ही मैंने इसका आंसर 6 लिया हुआ है। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो आप 8 ले सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने 8 ऑप्शन में नहीं लिया है। तो और इसको क्रिस्टल क्लियर बाइफरकेट करने के लिए 6 स्थापित IIDC यानी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, और एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र जो कि सेंट्रल की या केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास का कार्यक्रम किया जा रहा है, और लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए छत्तीसगढ़ में जो नोडल एजेंसी है वह CSIDC ही है, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही है जो IIDC के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। और इस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में भी CSIDC के माध्यम से ही हम IIDC सेंटर्स की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक, यानी कि ये जो IIDC है ये लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए उनसे जुड़ी मूलभूत आवश्यकताएं, रॉ मटेरियल, विद्युत शुल्क, सभी तरह की आवश्यकता की पूर्ति इस IIDC सेंटर्स में हमें देखने को मिलती है, पहला चीज। दूसरा चीज हम देखेंगे स्थापित 6 कौन कौन से हैं, तो याद रखें इस तरह से कभी आता है तो सबसे पहले आप जिलों को देखें, क्योंकि आपको जिले बेसिक रूप से याद होते हैं, उसके बाद उससे कनेक्टेड थ्योरी को देखा करें तो चीजें जल्दी याद होंगी। हम क्या करते हैं कि हम इसे पहले याद करते हैं फिर इधर जाते, नहीं, पहले देखें हमको किस किस डिस्ट्रिक्ट में घूमना है। तो याद रखेंगे पहले आप देखेंगे महासमुंद के बाद आप आ जाएंगे कबीरधाम। ठीक, महासमुंद के बाद कबीरधाम के बाद आप चले जाएंगे सीधा यहाँ पर बिलासपुर के बगल में फिर आ जाएंगे आप जांजगीर चांपा के ऊपर आ जाएंगे आप कहाँ पे, सरगुजा। यानी कि आप इस तरीके से ये,
और यहाँ पर है आपका दंतेवाड़ा, यानी कि महासमुंद, महासमुंद के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद आप यानी कबीरधाम के बाद बिलासपुर, जांजगीर चांपा और फिर सरगुजा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, साथ में उनके नाम को भी ध्यान रखें। निर्माणाधीन दो है जो कि रायपुर में, तेंदुआ रायपुर, बरतोरी रायपुर में। प्रस्तावित जो है वो चार है, याद रखेंगे। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर क्वेश्चन पूछे कि इस बार कितने प्रस्तावित IIDC सेंटर के बारे में इकोनॉमिक सर्वे 18-19 में दिया है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, चार। करंट में भी आप करंट की किताबों में ये पढ़ रहे होंगे। परसगढ़ी कोरिया में, ऊपर याद रखें इसे, कोरिया, कोरिया सब नीचे उतरे मुंगेली, ठीक, मुंगेली के बाद रायगढ़ और रायगढ़ के बाद कांकेर, ठीक है। खमरिया मुंगेली, सीआर पाली महुआ पाली रायगढ़ और लखनपुरी आपका क्या होगा, कांकेर। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो आंसर होगा वह होगा ए, इसका आंसर होगा 6। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावित IIDC सेंटर्स हैं। तो ये प्रस्तावित के बारे में बात कर रहा है, यहाँ निर्माणाधीन के बारे में बात नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो पहला है खमरिया, दूसरा है लखनपुरी कांकेर में, तीसरा है परसगढ़ी, करेक्ट, और चौथा है सीआर पाली या महुआ पाली, यानी इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, 1, 2, 3, 4, करेक्ट। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र में सुमेलित नहीं है। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा आप सबको पता है रायपुर में है, औद्योगिक विकास केंद्र बोरई कहाँ पर है, दुर्ग में है, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी याद रखिएगा बिलासपुर में है, औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री धमतरी में नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी सुमेलित नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो 11 क्वेश्चन देखा उस चीज़ को आप ध्यान दें, और इस उद्योग से संबंधित जो चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य बातें कि कौन कौन से उद्योग कब कब इस्टेब्लिश हुए ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी नीतियाँ चल रही हैं ये आपको ध्यान रखना है, उस नीतियों से इसमें क्या क्या प्रावधान है ये आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ औद्योगिक केंद्र कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मैच द फॉलोइंग में यहाँ से क्वेश्चन या प्रश्न आ सकते हैं, इन चीज़ों का भी आपको भरपूर ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी चीज़ों के लिए, और जब हम नेक्स्ट जब 18-19 के बाद जो 19-20 आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के द्वारा लाई जाएगी तब हम उसमें प्रॉपर फिर हम एक वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन आंसर उनके थ्योरी को काफ़ी डिटेल से हम नेक्स्ट PSC के पश्चात हम जरूर देखेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।